आज करने वाले डिजिटल कैमरे जैसे दिखने वाले फ्लैगशिप फोन की अनबॉक्सिंग जो 120x जूम करता है और ये है ओप्पो रेनो 10 प्रो का बड़ा भाई ओप्पो रेनो 10 प्रो प्लस 5G। देखने वाली बात है जो खामियां 10 प्रो में थी क्या उसका सॉल्यूशन इसमें हुआ है, तो फुल टू चेक करने वाले इसके परफॉर्मेंस से लेकर इसके कैमरा क्वालिटी, कैमरा टेस्ट, जूमिंग टेस्ट सब कुछ। So, बिना किसी टाइम वेस्ट करते हैं इसे अनबॉक्स और देखते हैं बॉक्स में क्या क्या आता है। सबसे पहले बॉक्स में कुछ पेपर, एक स्टिकर और ये है स्माइलिंग सिम इजेक्टिंग टूल और एक सिलिकॉन कवर आता है जिसकी क्वालिटी मुझे ठीक लग रही। फिर नीचे अपना फ्लैगशिप फोन जिसे हम देखेंगे, इतना बेसब्र मत हो, देखेंगे। और इसके नीचे आता है अपना खतरनाक 100 वॉट का सुपरवूफ टेक्नोलॉजी वाला चार्जर, ऐसा लग रहा है जैसे लैपटॉप का चार्जर। और इसे यूज करने के लिए हमारे पास में है ये मोटी सी USB 2C टाइप केबल। अब देखते हैं अपना मोबाइल। वाहो, फील तो एकदम फ्लैगशिप वाली आ रही है। बैक साइड में ग्लास है जहाँ पे 3 कैमरे का स्टाइलिश सेटअप मिल जाता है जो कि प्लास्टिक फ्रेम से कवर्ड है, जिसमें अपर साइड में 2 कैमरे एंड 2 LED फ्लैश और नीचे बड़ा सा टेलीफोटो लेंस है जिसके साइड में से अंदर तक देखेंगे अगर तो यहाँ पे एक चिपसेट लगा हुआ दिखेगा। ये पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस है जिसका फुल टेस्ट हम करेंगे वेट। और इसके नीचे ओप्पो की ब्रांडिंग, फ्रेमिंग आपको मेटल की लगेगी लेकिन ये प्लास्टिक की है जो कि फ्लैगशिप फोन में एक्सेप्टेबल नहीं है, इतनी रेंज में तो मेटल की फ्रेम दे देनी। साइड में ग्रीन पावर बटन है, वॉल्यूम अप डाउन की है, अपर साइड में नॉइस कैंसिलेशन है, एयर कंट्रोलर है, एक स्पीकर है एंड लेफ्ट साइड में कुछ नहीं है। बॉटम साइड में स्टूडियो स्पीकर है, सी टाइप पोर्ट है, माइक है और सिम ट्रे है जहां 12 नैनो सिम लगा सकते हैं। इसका मतलब यहां पे आपको मेमोरी कार्ड लगा के स्टोरेज एक्सपेंड करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। डायमेंशन इसका 162.9x74mm एंड थिकनेस 8.3mm, वेट इसका 194 ग्राम है। डिस्प्ले की साइज 6.74 इंचेस है जिसका स्क्रीन टू बॉडी रेशो 90.6%, मतलब बेजल्स काफी नोटिसेबल है। इसकी चिन थोड़ी सी ज्यादा ही दिख रही है। 1 बिलियन कलर के साथ में HDR10+ एमोलेड कर्व डिस्प्ले मिल जाए जिसका रेजोल्यूशन 2772 पिक्सल्स के साथ 451 ppi डेंसिटी है जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz का, ब्राइटनेस 500 nits से लेकर 1400 nits तक जाती है। यहाँ पे आपको डिस्प्ले की क्वालिटी में 4K 60fps HDR वीडियो भी आप चला सकते हैं और इसमें एक पॉपअप मेन्यू भी मिल जाएगा आपको। व्यूइंग एंगल भी इसका ठीक लग रहा है, साइड से भी अच्छा व्यू आ रहा है। सिक्योरिटी में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट मिल जाएगा, फेस लॉक मिल जाएगा, एप्लीकेशंस को लॉक भी कर सकते हो। बात करें इसके स्पेसिफिकेशन की तो 256GB का स्टोरेज मिल जाएगा, 12GB की रैम मिल जाएगी जो कि 4GB से लेकर 12GB तक एक्सपेंडेबल है, आप अपने यूजर्स के हिसाब से उसे सेट कर सकते हो। जो LPDDR5 की आती है मतलब स्पीड आपको अच्छी मिलेगी। ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको एंड्रॉइड 13 मिलेगा जो कि ओप्पो के कलर OS 13.1 UI पे बेस्ड है। चिपसेट स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 4nm का Qualcomm SM8475 है। CPU 3.2 GHz के साथ में ऑक्टाकोर आता है। GPU Adreno का 730 है जिसकी परफॉर्मेंस हम गेमिंग टेस्ट में ही देख पाएंगे। फीचर्स की बात करें तो बेसिक सभी सेंसर इसमें है। नोटिफिकेशन बार को डाउन करेंगे तो यहाँ पे भी काफी सारे फीचर्स है। डिवाइस कंट्रोल, वॉलेट, अल्ट्रा विजन जिससे आप इमेज को शार्प कर सकते हो, वीडियो का कलर बूस्ट कर सकते हो, मल्टी स्क्रीन कनेक्शन शेयर मिल जाएगा, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, स्क्रीन कास्ट मिल जाएगी, ओप्पो शेयरिंग मिल जाएगी, QR कोड स्कैनर मिल जाएगा, NFC मिल जाएगा, Wi-Fi 8 का सपोर्ट मिल जाएगा एंड सी टाइप पोर्ट में सी टाइप वाले एयरफोन आप यूज कर सकते हो। और जो मैंने ये ग्रीन बटन बताई थी ये यूज होती है स्विच ऑफ के लिए, यहाँ पे आप दबाओगे तो यहाँ पे आपको गूगल सर्च का ऑप्शन मिल जाएगा लेकिन इसे स्विच ऑफ करने के लिए पावर की अपर, यहाँ पे एनिमेशन मिल जाएगा, यहाँ पे रीस्टार्ट, यहाँ पे पावर ऑफ। इसके सेटिंग में स्पेशल फीचर्स की बात करें तो स्प्लिट स्क्रीन मिल जाएगी, 2 स्क्रीन आप एक साथ चला सकते हो, फ्लेक्सिबल विंडो मिल जाएगी, विंडो को कहीं पे भी आप एडजस्ट कर सकते हो, क्विक रिटर्न मिल जाएगा, क्विक लॉन्च मिल जाएगा, स्मार्ट साइड बार मिल जाएगा, यहाँ पे साइड में भी आप स्मार्ट बार लगा सकते हो, की स्पेस मिल जाएगा बच्चों के लिए, सिंपल मोड मिल जाएगा बैटरी बचाने के लिए। टेस्चर में भी आप सेटिंग कर सकते हो 3 फिंगर का, 2 फिंगर का, 1 फिंगर का, तो ये सभी फीचर्स इसमें अवेलेबल है। तो आप बात करते हैं इसके साउंड क्वालिटी की। साउंड को यहाँ फुल करते हैं तो यहाँ पे जो इसका बॉटम वाला स्पीकर है इसका साउंड कुछ ज्यादा है, और ये अपर स्पीकर का जो हमने ओप्पो रेनो 10 प्रो के अनबॉक्सिंग में कहा था कि यहाँ पे एयर स्पीकर यूज होना चाहिए, उसमें नहीं हो रहा था साउंड में। आप उसके साउंड टेस्टिंग देखना, वहाँ पे आपको बॉटम स्पीकर से ही साउंड आएगा, एयर स्पीकर से कोई साउंड नहीं है, लेकिन यहाँ पे बॉटम स्पीकर भी यूज हो रहा है, एयर स्पीकर भी यूज हो रहा है, इसका टॉप स्पीकर तो ही, तो इन तीनों स्पीकर के यूज से इसका साउंड काफी लाउड हो गया है। और रेशियो वाइज बताऊं तो 70% बॉटम वाले स्पीकर से आ रहा है, अपर साइड से 25% के आसपास और 5% एयर स्पीकर से आ रहा है। तो आप करते हैं अपना गेमिंग टेस्ट जिसके लिए हमने फ्री फायर डाउनलोड किया है। यहाँ पे आपको हाइपर बूस्टर भी मिल जाएगा जहाँ पे आप बैलेंस मोड, पावर गेमिंग मोड एंड पावर मोड के साथ साथ यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन आप अटैच भी कर सकते हो, यहाँ पे आप प्लस करके और भी फीचर ऐड कर सकते हो, नोटिफिकेशन, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, स्क्रीन शॉट, चैंपियनशिप मोड, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। और गेमिंग में तो आपको पता है मोबाइल का साउंड बढ़ ही जाता है, साउंड के साथ साथ इसके ग्राफिक भी बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं मुझे। हवा की आवाज सुनते हो, साउंड बहुत ही क्लियर आ रहा है। ग्राफिक के साथ में स्मूथनेस भी बहुत ही मस्त लगी मुझे।
इसमें आप गेम जोन भी कर सकते हो जिससे आपको पूरे फीचर्स भी दिखे और कोई नोटिफिकेशन आए वो भी दिखे। और बात करें बैटरी की तो बैटरी इसमें है 4700 mAh की। उसकी हम चार्जिंग टेस्टिंग करने वाले जो इसका 100 वॉट का सुपर वोक टेक्नोलॉजी वाला चार्जर आता है उसी के साथ में वो देखते हैं कितने मिनट में चार्ज हो जाता है। जैसे कंपनी बोलती है 18 मिनट में 100% चार्ज हो जाता है। अब हम भी इसका टेस्ट कर लेते हैं। अभी इसमें 59% बैटरी है। यहाँ पे हमने अपना टाइमर चालू कर दिया तो 1 मिनट के अंदर 3 से 4% चार्ज हो चुका है। तो इस कैलकुलेशन के हिसाब से 1 मिनट में 4% तो 10 मिनट में 40 तो 20 मिनट में 80 मतलब 20-25 मिनट आधे घंटे के अंदर अंदर फुल चार्ज हो जाएगा। जो कि ये भी एक अच्छी चीज है क्योंकि 500 mAh के आसपास की बैटरी है इसकी और बहुत ही पावरफुल है। एक और फीचर जो कि सिर्फ आईफोन में आता है, यहाँ पे आपको बैटरी हेल्थ भी पता चल जाएगी। अभी 100% है क्योंकि हमारा न्यू मोबाइल है तो ये आईफोन से कॉपी किया है लेकिन अच्छा फंक्शन है। और बात करते हैं इसके कैमरा टेस्टिंग की। बैक साइड में आपको 3 कैमरे का सेटअप मिल जाएगा जिसमें से मेन कैमरा है 50 मेगापिक्सल का 1.8 अपर्चर के साथ में आता है। एंड अल्ट्रा वाइड में आपको मिलेगा 8 मेगापिक्सल 2.2 अपर्चर के साथ में। एंड अपना हाइलाइटेड पेरिफोकस टेलीफोटो लेंस जो कि 64 मेगापिक्सल का 2.5 अपर्चर के साथ में आता है। और यहाँ पे आप 120x तक जूम भी कर सकते हो। यहाँ पे तो दिख नहीं रहा, बाहर इसकी कैमरा क्वालिटी हम अच्छे से चेक करेंगे। एंड बात करें इसके फ्रंट कैमरे की तो फ्रंट कैमरे में 32 मेगापिक्सल का 2.4 अपर्चर के साथ में आता है। और यहाँ पे आपको सभी फीचर्स दिख जाएंगे, पोर्ट्रेट फोटो, नाइट मोड, ब्रो मोड, स्लो मोशन, ये सभी फीचर्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे जो कि इसका फुल कैमरा टेस्टिंग वाला वीडियो होने वाला है। वीडियो मोड की बात कर लेते हैं। वीडियो मोड में आपको बैक कैमरे में 4K की रिकॉर्डिंग मिलेगी 30 और 60 FPS दोनों में। यहाँ पे आपको 1080 मतलब फुल HD की रिकॉर्डिंग भी मिलेगी जो कि 30 और 60 में मिल जाएगी। और उसके बाद में आता अपना HD जो कि 30 और 60 FPS में ये भी मिल जाएगा। यहाँ पे स्टेबिलाइजेशन है, स्टेबिलाइजेशन में आपको 1080 60 FPS में ही मिलेगा। बात करते हैं फ्रंट कैमरे की, फ्रंट कैमरे में आपको 1080 720 की ही रिकॉर्डिंग मिलेगी जो कि 30 FPS पे ही रहती है। और यहाँ पे स्टेबिलाइजेशन भी है जो कि 720 और 1080 दोनों में ही मिल जाएगा। तो चलिए बाहर चलते हैं, थोड़ी टेस्टिंग करते हैं। ये फ्रंट कैमरे में 1080 से शूट हो रहा है जिसमें स्टेबिलाइजेशन ऑफ है। यहाँ पे बैक कैमरे से 4K में रिकॉर्डिंग हो रही है, ये 60 FPS पे हो रहा है। और यहाँ पे स्टेबिलाइजेशन हमने ऑफ करके रखा हुआ है। इसके मेन कैमरे से शूट हो रहा है 1x पे। और अभी जो डिस्टेंस है ये 3 फीट का है, ये 5 फीट और ये 10 फीट। ये 10 फीट के डिस्टेंस पे आपको वॉइस कैसी आ रही है अब जूम कर, तो ये 3x पे है। और यहाँ पे आपको वॉइस कैसी आ रही है क्योंकि हमने जूम किया है तो वॉइस क्वालिटी भी चेंज है। 10x पे कितना जूम दिख रहा है, कैमरा में वॉइस कैसी आ रही है, वॉइस की लाउडनेस बढ़ी है क्या, वो हम चेक करेंगे। यह है बैक कैमरे की वीडियो क्वालिटी जो कि नाइट में आ रही है और यह विदाउट फ्लैश है और इसमें फ्लैश के लिए ऐसा गोल बना लेता है। सो हमने जो इसकी टेस्टिंग की है उसमें आपको ये कैमरा कैसा लग रहा है, वैसे इसके मोड में जो भी फीचर्स है और जो भी सेटिंग्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में फुल टू एक्सप्लेन करने वाले हैं जो कि कैमरा टेस्टिंग का फुल टू वीडियो होने वाला है। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए बात करते हैं अब इसके प्रोज एंड कॉन्स की। इसकी बिल्ड क्वालिटी, डिजाइन और इसके कैमरा क्वालिटी, परफॉर्मेंस भी मुझे काफी अच्छी लगी। बैटरी बैकअप और बैटरी चार्जिंग भी इसकी काफी फास्ट है। बात करें इसके कॉन्स की तो यहाँ पे फ्रेमिंग मेटल की नहीं दी गई है, 3.5 का हेडफोन जैक नहीं आता है इसमें, अपर साइड का जो स्पीकर है वो इतना भी लाउड नहीं है। बात है अपने कंक्लूजन पे, जिसको सस्ते में फ्लैगशिप मोबाइल वाली फीलिंग लेनी है, उसके फीचर्स चाहिए तो उनके लिए तो बेस्ट है। और जो 50,000 के अपर नहीं जाना चाहते तो 40,000 के आसपास में इसका छोटा भाई आता है मतलब ओप्पो रेनो 10 प्रो, जिसका अनबॉक्सिंग एंड कैमरा टेस्टिंग हमने दोनों ही किया है तो वो दोनों ही वीडियो के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और एंड स्क्रीन पे भी लगा दूंगा तो आप वहाँ पे भी जाकर चेक कर सकते हो। इन दोनों भाइयों मतलब प्रो एंड प्रो प्लस का अगर आपको कंपैरिजन वीडियो या कैमरा कंपैरिजन वीडियो देखना है तो मुझे कमेंट में बताना, मैं इन दोनों का कंपैरिजन वीडियो भी आपके लिए ले आऊंगा। इसकी प्राइसिंग अप डाउन होती रहती है तो मैं इसके लेटेस्ट प्राइसिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां पे जाके चेक कर सकते हो, वहां से परचेस भी कर सकते हो। और अगर आप ऑफलाइन मार्केट में देखना चाहते हो, आप खंडवा शहर से हो तो खंडवा क्रोमा का मैं एड्रेस और कॉन्टेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां पर भी जाके देख सकते हो, उनसे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो, उनके कुछ ऑफर चल रहे तो वो भी आप उनसे पूछ सकते हो। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आने वाले ढेर सारे अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू वीडियो के लिए एंड कैमरा कंपैरिजन और कैमरा टेस्टिंग के लिए भी सभी गैजेट्स की जेन्युइन रियलिटी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर भी कर देना जो लोग मोबाइल लेना चाहते हैं उनके साथ। तो मिलते हैं इसके कैमरा टेस्टिंग वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।